छोटे बच्चों में ज्यादा खतरनाक है कोरोना, या फिर बुजुर्गों में ज्यादा खतरनाक है कोरोना, तो ऐसे लोग जिनके घर में बहुत छोटे बच्चे हैं या बहुत बुजुर्ग हैं, वो किन चीजों की सावधानी बरतें आज की तारीख में? रोहित, हर वायरस की एक प्रेडिक्शन होती है, एक एज ग्रुप इफेक्शन होता है। जैसे कि हमने फ्लू में देखा है कि बच्चे और बूढ़े बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, बट अभी तक हमारे पास जो कोरोना की इन्फॉर्मेशन आ रही है उसमें छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नहीं हैं। इसमें जो एक्सट्रीम ऑफ एज ग्रुप्स हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो 60 ईयर्स के बियॉन्ड जिनका एज है, वो ज़्यादा सीवियरली अफेक्टेड हो रहे हैं। तो इसलिए बच्चों में बहुत ज़्यादा कोई पैनिकी सिचुएशन नहीं है। बच्चे अभी तक की जो हमारे पास न्यूज़ है कोरोना वायरस की, उसमें बहुत ज़्यादा सीवियरली अफेक्टेड नहीं हो रहे हैं। तो बच्चों के पार्ट पे हम अभी तक बहुत ज़्यादा वो नहीं है। निश्चिंत होकर बैठ जाएं? निश्चिंत होकर बैठना तो गलत होगा, हमें बेसिक प्रिकॉशंस लेने हैं। किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना है। एक यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हैं, कफ हाइजीन है, उसको बचाने के जो मेजर्स हैं वो हमें लेने होंगे। निश्चिंत होकर नहीं बैठ सकते, लेकिन ऐसे पैनिक मोड में भी जाने की जरूरत नहीं है। विपिन सिंह साहब, हमारे यहाँ तो आमतौर पर हम ये करते हैं ना कि घर में खांसी जुकाम, इसको तो बीमारी मानते ही नहीं, और अगर हो जाए तो गूगल है, वहां से दवाई देखते हैं, डॉक्टर को फोन करने की भी जहमत नहीं उठाते, खाते हैं और फिर सोचते हैं कि चलो काम पे सब कुछ ठीक हो गया। क्या आज की तारीख में ये सही है? नहीं, ये गूगल की जो नॉलेज है, मैं ये नहीं कह रहा, एक तो ये नॉलेज नहीं है, इट इज़ इन्फॉर्मेशन, इट इज़ मियर इन्फॉर्मेशन। इसका ट्रूथफुलनेस कितनी है और करेक्ट कितना है वो आप नहीं कर सकते। तो एक तो गूगल देख के आप बीमारी का अंदाजा न लगाएं। दूसरी बात है कि ये भी खांसी जुकाम की ही एक दूसरा रूप है, ये वायरल जो डिजीज़ है वो भी आपका होता है। ये भी अगर फीवर भी है इसके साथ, देखिए खांसी तो आपको एलर्जी से भी हो सकती है, लेकिन खांसी है, कफ आ रहा है और फीवर भी है, तब सोचने की बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोरोना वायरस है, लेकिन अगर इसका मतलब है कि आप न्यूमोनाइटिस की तरफ जा रहे हैं, और सिंपल न्यूमोनाइटिस भी बहुत खतरनाक होती है, और जैसे एज बढ़ती है या एज 7-8 साल से कम है तो इम्यून सिस्टम हमारा वीक होना शुरू हो जाता है, तो उनमें इनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा खराब आता है। और ये जो न्यूज़ आ रही है ना आजकल कि अदरक का पानी पी लीजिए, ये पी लीजिए, मैं ये नहीं मना कर रहा कि आप मत पीजिए, पर इससे इम्यूनिटी ऐसे बढ़ने वाली नहीं है। इम्यूनिटी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आज हल्दी आपने पी खाई और इम्यूनिटी कल से फर्स्ट क्लास हो गई, नहीं। बस उसका एक ही रोल है कि इनको भी आप पी रहे हैं तो कम से कम आप लिक्विड ले रहे हैं, लिक्विड ले रहे हैं तो आपके शरीर में पानी की मात्रा कम नहीं होगी। अगर किसी भी इन्फेक्शन में डिहाइड्रेशन हो जाए तो उसका इफेक्ट बहुत वर्स्ट होता है। तो इसका मतलब इतना रोल है, इसका मतलब हाइड्रेटेड कम से कम रखें अपने आप को लगातार। जी हाँ, अगर आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो। नहीं, आप वैसे भी हर एक घंटे बाद अगर एक गिलास पानी पीते रहते हैं नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में भी, तब भी बहुत अच्छा है, क्योंकि बॉडी की टोनिसिटी को मेंटेन रखता है, बूढ़े देर में होते हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे, किन चीजों को देख के आदमी को ये चिंता हो कि कहीं कोरोना जैसी कोई चीज तो नहीं है, जब उसको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आपने प्रोग्राम शुरू करते वक्त कहा कि आज हम चिंता करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो मैं बहुत क्लियर कर रहा हूँ, हम चिंता नहीं, चिंता दूर करने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। कोई भी बीमारी आती है तो हमें डेफिनेटली, जिसके बारे में पता नहीं होता है, तो एक मन में भय रहता है कि भाई क्या होगा। अगर आज आप कोरोना के बारे में किसी से बात कीजिए तो उसे यही लगता है कि अगर उसे कोरोना हो गया तो उसके लिए वो डेथ सेंटेंस है, जो कि ऐसा नहीं है। कोरोना और बाकी वायरस में अभी फ़र्क ये है कि जो बाकी वायरस से पहले से हमारे सर्कुलेशन में है तो हमारे शरीर के अंदर एक इम्यूनिटी है, ये एक नया वेराइटी ऑफ वायरस है जिसकी इम्यूनिटी हमारे सोसाइटी के लोगों में अभी नहीं है। इसलिए होने पे सभी का बीमार होना ऑलमोस्ट क्लिनिकल सब क्लिनिकल होने के चांसेस हैं, लेकिन बॉडी की इम्यूनिटी मोस्ट ऑफ द केसेस में रोक लेगी, उसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं होगी। और जैसे पहले भी डॉक्टर ने बताया कि कुछ एज ग्रुप्स है जिसमें हमें सावधानी रखने की ज़रूरत है, जो कि जो ओल्ड एज लोग हैं या फिर जो जिनको कोई मॉर्बिडिटीज़ है, पहले से कोई बीमारी है, जैसे कोई डायबिटिक है, किसी को किडनी की परेशानी है, जो स्मोक करते हैं, जिनको सांस की परेशानी है, ऐसे मरीज वैसे भी किसी भी बीमारी को लेके ज़्यादा पोटेंशियल होता है उनमें होने का, और उनमें जो आउटकम होता है वो थोड़ा कम ख़राब होता है। तो ऐसे मरीजों को सावधानी रखने की बात है। और जहां तक अगर किसी को सर्दी खांसी जुकाम हो गया वो कोरोना है, ऐसा नहीं है। आप में रिस्क फैक्टर है या नहीं कि आप कोरोना से संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में आए या नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आप जैसे आप में से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनके अंदर मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि कोरोना से संक्रमित व्यक्ति के कॉन्टेक्ट में आने के चांसेस नेग्लिजिबल है,
तो अगर आपको अगर अभी सर्दी खांसी जुकाम होता है तो वो कोरोना है ऐसा सोचना गलत होगा। तो डेफिनेटली अपने रिस्क फैक्टर को खुद से भी आप असेस कर सकते हैं कि भाई आपको जो इन्फेक्शन हुआ उसमें कोरोना होने के चांसेस कितने हैं, जो ये अभी COVID-19 है, क्योंकि कोरोना वायरस के अलग अलग स्ट्रेन हैं, पुराने वाले ऑलरेडी सर्कुलेशन में है तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जो नया जो COVID-19 है इसको लेकर हमें ध्यान रखना है, लेकिन अभी सर्दी जुकाम का ये मतलब नहीं कि आपको कोरोना है।